हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 5 जून 2019 के MCQs करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उससे पहले आप सभी साथियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि CAGs राजीव महर्षि Who has been selected as the external auditor of the WHO is from which country? CAG राजीव महर्षि जिन्हें WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, वह किस देश से है? ऑप्शन है ए कांगो, बी फ्रांस, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी इंडिया और भारत। तो इसका राइट आंसर जो है वह है इंडिया, भारत देश के हैं। जो यह है आपका जिनेवा में 72वां WHO असेंबली में चुनाव आयोजित किए गए, यानी कि जो WHO असेंबली है उसमें 72वें चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें से कैग के राजीव महर्षि को 162 में से 90 वोट मिले थे। और इस जो ये प्रतिस्पर्धा थी, इसमें भारत के अलावा कांगो, फ्रांस, घाना, ट्यूनिशिया और यूनाइटेड किंगडम के ऑडिटर जनरल भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दीज प्लेबैक सिंगर्स एंड एक्ट्रेस डाइड, इनमें से किस पार्श्व गायिका एवं अभिनेत्री का निधन हुआ है? ऑप्शन ए रूमा गुहा, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी अनुराधा पौंडवाल, ऑप्शन डी सुनिधि चौहान। तो इसका राइट आंसर है रूमा गुहा। रूमा गुहा के बारे में बात की जाए तो वो 84 वर्ष की थी। उन्हें उम्र से संबंधित कुछ बीमारियां थी, सम डिजीज अबाउट अकॉर्डिंग टू एज। तो वो 84 वर्ष की थी और ये किशोर कुमार की पहली पत्नी थी। नेक्स्ट, मैक्सिको हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर फॉरनर्स, विदेशियों के लिए मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, ऑप्शन बी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को, ऑप्शन सी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही आंसर जो है वह है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को, जो कि 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति, भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक बाई RBI, किसे RBI ने एक्सिस बैंक का अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन ए चंदा कोचर, ऑप्शन बी अरुणोदति, ऑप्शन सी राकेश मखीजा, ऑप्शन डी राकेश कुमार। इसका सही आंसर जो है वह है राकेश मखीजा को, और राकेश मखीजा को जो चुना गया है उनका कार्यकाल 18 जुलाई 2019 से 17 जुलाई 2022 तक, इन्हें 3 वर्ष के लिए एक्सिस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बिलियनियर्स रैपर बाय द फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा किसे दुनिया का अरबपति रैपर नामित किया गया है? ऑप्शन ए जे जेड, ऑप्शन बी हेलन डेविड, ऑप्शन सी जेड वी, ऑप्शन डी जे एस। तो इसका सही उत्तर की यदि बात की जाए तो आंसर सही है जे जेड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, हु हैज अपॉइंटेड
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एज इट्स डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इतिरा डेविस, ऑप्शन बी सचिन बंसल, ऑप्शन सी नितिन चुग, ऑप्शन डी सुरेश प्रभु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सचिन बंसल। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 फरवरी 2017 से अपने बैंकिंग परिचालन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द यंगेस्ट MP इलेक्टेड इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 17th लोकसभा? 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में किसे सबसे कम उम्र की युवा सांसद चुना गया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी चंद्राणी मुर्मू, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, अभी हाल ही में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 17वीं लोकसभा के में भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA को पूर्ण बहुमत मिला और इस बार 7 महिला सांसद चुनी गई है, जिनमें चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की सांसद हैं। चंद्राणी मुर्मू ओडिशा से की कौंझार सीट से BJD यानी कि बीजू जनता दल की उम्मीदवार थी और इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। ये इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और 25 साल की उम्र में इन्होंने चुनाव जीता है। इन्होंने दुष्यंत चौटाला को यहाँ से हराया है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्राणी मुर्मू। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल द 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया NSFFI बी हेल्ड इन जनवरी एंड फरवरी ऑफ द ईयर 2020? वर्ष 2020 के जनवरी और फरवरी माह में भारत का 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव NSFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए ऑन 4th जून 4 जून को, ऑप्शन बी ऑन 5th जून 5 जून को, ऑप्शन सी ऑन 28th फरवरी 28 फरवरी को, ऑप्शन डी ऑन 21st जून 21 जून को। और इसका सही उत्तर या बात की जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। वृक्ष लगाएंगे तो ये हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।